महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर मंगलवार को पीस सेंटर परिधि की ओर से सलाम गांधी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पीस सेंटर परिधि द्वारा चलाए जा रहे अभियान गणतंत्र से गांधी का समापन भागलपुर रेलवे स्टेशन चौक के समीप किया गया। वहीं सलाम गांधी कार्यक्रम में वक्तव्य, गीत, पर्चा वितरण और राज्य हिंसा के विरुद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इधर अपनी बात रखते हुए उज्जवल कुमार घोष ने कहा कि नाथूराम गोडसे ने तो हार्ड मांस के गांधी की हत्या की थी, लेकिन देश के लोगों के मन में गांधी और उनके विचार आज भी जीवित हैं। वहीं परिधि के निर्देशक उदय ने कहा कि गांधी राजनीतिक आदर्श और सुचिता के पैरोकार थे और वे हमेशा सच्चे और अच्छे साधन के इस्तेमाल की बात करते थे। कार्यक्रम का संचालन पीस सेंटर परिधि के समन्वयक राहुल ने किया। उन्होंने बताया कि 30 जनवरी 1948 को गांधी की हत्या कर दी गई थी, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े समुदायों को आगे लाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मौके पर पूनम श्रीवास्तव, उज्ज्वल घोष, शारदा श्रीवास्तव, अभिजीत शंकर समेत काफी संख्या में मौजूद लोगों ने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। आज पीस सेंटर परिधि की ओर से गांधी शहादत पर ये कार्यक्रम रखा गया है। गांधी को सलाम, बापू को सलाम। और पिछले 26 तारीख से 26 जनवरी से गणतंत्र से गांधी कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम आयोजित है और हम ये याद कर रहे हैं गांधी को कि किस तरह से एक सिपाही ने गांधी की हत्या की थी। ये हम याद रखें और गांधी केवल भारत ही नहीं, भारत के आज़ादी के ही नायक नहीं थे, बल्कि आज दुनिया जिस सवालों को फेस कर रही है, जिस तरह से धरती का तापमान बढ़ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, गांधी जी ने इसके लिए एक वैकल्पिक विकास के मॉडल की बात कही थी। इसलिए पूरी दुनिया गांधी जी को इस नाम से जानती है, याद करती है। और बुद्ध के बाद जो एक सिलसिला रुक गया था गांधी को याद करने का, तो दुनिया में गांधी के कारण दुनिया में भारत का नाम स्थापित हुआ। आज हम उनको याद करते हैं और जो सिपाही ने जिस तरह से हत्या की और आज भी गांधी के विचारों की हत्या की जा रही है, गांधी को उल्टा सीधा कहा जा रहा है, आज हम गांधी को याद करें, इसलिए बापू को सलाम करके आज ये कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। पटना के गांधी घाट पर मंगलवार को हुतात्माओं की स्मृति में मौन श्रद्धांजलि अर्पित किए जाने का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्प चक्र अर्पित कर महात्मा गांधी एवं हुतात्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता संग्राम के हुतात्माओं की स्मृति में 2 मिनट का मौन भी रखा। इसके अलावा सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा भी बापू को सलामी दी गई। मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी शिशरत कपिल अशोक, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा समेत श्रद्धांजलि सभा में मौजूद सभी सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, जिलाधिकारी शिशरत कपिल अशोक, वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा समेत श्रद्धांजलि सभा में मौजूद सभी सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और मौन श्रद्धांजलि अर्पित की। खेल विभाग, बिहार सरकार, बिहार राज्य खेल प्राधिकरण एवं जिला प्रशासन भागलपुर के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय दिव्यांग खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का आयोजन सैंडिस कंपाउंड में किया गया। प्रतियोगिता का उद्घाटन अपर समाहर्ता महेश्वर प्रसाद सिंह, सामान्य शाखा प्रभारी मिथिलेश प्रसाद एवं जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण कुमार के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर की गई। मंच का संचालन मोहम्मद नशर आलम ने किया। प्रतियोगिता में 60 मीटर, 100 मीटर, शॉर्ट पुट, जेवलिन थ्रो, व्हील चेयर रेस इत्यादि खेल का आयोजन हुआ। बता दें कि पहली बार जिला स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित होने से दिव्यांग खिलाड़ियों में गजब का उत्साह देखा गया। प्रतियोगिता में नवगछिया, पीरपैंती, कहलगांव समेत अन्य इलाके से आए 70 से ज्यादा दिव्यांग खिलाड़ियों ने भाग लिया। वहीं प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को मेडल एवं प्रमाण पत्र मिलते ही उनके चेहरे पर काफी खुशी एवं गौरव देखने को मिली। इसके अलावा प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों को जिला प्रशासन की ओर से सहभागिता प्रमाण पत्र दिया गया। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी फरवरी के दूसरे सप्ताह में पटना में आयोजित राज्य स्तरीय दिव्यांग प्रतियोगिता में भाग लेंगे, जिन्हें जिला खेल कार्यालय भागलपुर के द्वारा भेजा जाएगा। आज 4
श्रेणी में दिव्यांगों के बीच प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें शॉटपुट बालक वर्ग में प्रवृत्ति के रितेश कुमार प्रथम, पकड़ा नवगछिया के सूरज कुमार द्वितीय एवं किशन दासपुर कहलगांव के पीयूष कुमार तृतीय स्थान पर रहे। दृष्टिबाधित दिव्यांग बालिका वर्ग में शॉटपुट में गोविंद कुमार प्रथम, योगेश कुमार द्वितीय एवं अभिषेक कुमार तृतीय स्थान पर रहे। इधर 100 मीटर दौड़ मुख बाधिर बालिका वर्ग में चंपारण की प्रीति लता मुर्मू प्रथम एवं आकृति कुमारी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया। मौके पर नीरज कुमार, राजीव लोचन, मोहम्मद परवेज आलम, कुंदन कुमार, दिव्यांग शिक्षक विक्रम कुमार समेत कई लोग उपस्थित थे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। सर दर्द, चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर सुल्तानगंज के प्रखंड मुख्यालय में BDO मनोज कुमार मुर्मू की अध्यक्षता में मंगलवार को समन्वयक समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी मनोज कुमार मुर्मू के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया। इस दौरान मनोज कुमार मुर्मू ने मीडिया को बताया कि समन्वयक समिति की बैठक में प्रखंड में चल रहे सभी कार्यों की समीक्षा की गई, साथ ही पशु चिकित्सा भवन के लिए जमीन चिन्हित करते हुए पशु की रक्षा के बारे में विस्तार से बताया गया। मौके पर समन्वयक समिति के अधिकारी व कर्मी मौजूद रहे। समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी प्रखंड स्तर पदाधिकारी उपस्थित थे, जिसमें उनसे विभाग वार चर्चा की गई और सभा ने अपना प्रतिवेदन दिया। क्या निर्देश दिए सर? सभी विभाग वार समीक्षा की गई, समीक्षा क्रम में विभाग वार जो समस्याएं थी, खास करके पशुपालन विभाग से उनके पशु चिकित्सालय के लिए जमीन को चिन्हित किया जाना है, तो वो समस्या है, जिसमें विश्व साहब को कहा गया है कि जमीन चिन्हित करके उन्हें दें। और पशु का जो ईयर टैगिंग किया जा रहा है, उसमें कुछ आमजनों की तरफ से विरोध भी किया जा रहा है, इस संबंध में पशु चिकित्सक जो है उनके द्वारा बताया गया। तो इस संबंध में हम लोग जगह जगह जाकर के जन जागरूकता फैलाएंगे, ताकि जैसे ही वो पशु का ये ट्रेनिंग कराते हैं तो अन्य सुविधा उनको मिलने लगेगी। भागलपुर सुल्तानगंज में सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के बैनर तले आज सुल्तानगंज JP पार्क से प्रखंड कार्यालय तक संविधान बचाओ देश बचाओ रैली आयोजित की गई। सामाजिक न्याय आंदोलन बिहार के संरक्षक डॉक्टर विलक्षण बौद्ध ने कहा कि दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों व मुसलमानों के मेहनत से यह देश चलता है, लेकिन मोदी सरकार देश चलाते हुए मेहनत करने वालों के जीवन को मुश्किल में डाल रही है। महंगाई, बेरोजगारी को बढ़ा दिया गया है, पूंजीपतियों को फायदा पहुंच रहा है, इसीलिए इस सरकार को हटाना बेहद जरूरी है। वहीं रामानंद पासवान और शंकर बिंद ने कहा कि बहुजनों को एकजुट होकर संविधान व लोकतंत्र को बचाने के लिए सत्ता से भाजपा को बाहर करना होगा। इसके अलावा भी रैली में शामिल वक्ताओं ने अपने अपने विचार साझा किए। मौके पर वरुण कुमार, पोली पासवान, अमरकांत भारती, विष्णु कुमार दास समेत सैकड़ों महिला पुरुष मौजूद रहे।